सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बलरामपुर जिला के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक बलरामपुर जिला के नाम से जाना जाता है। बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग की ओर बसा है, जिस वजह से बलरामपुर जिला की सीमाएं पड़ोसी देश नेपाल से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर बलरामपुर शहर में मौजूद है और बलरामपुर जिला देवीपाटन डिवीजन के अंतर्गत आता है। बलरामपुर जिला पहले गोंडा जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में बलरामपुर को गोंडा जिला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। गोंडा जिला को दो भागों में बांटकर बलरामपुर जिला का गठन किया गया था। इस जिले का गठन 25 मई साल 1997 में गोंडा जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। इससे पहले बलरामपुर गोंडा जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। बलरामपुर जिला के पड़ोसी जिला का नाम श्रावस्ती जिला, गोंडा जिला और सिद्धार्थनगर जिला है, जिस वजह से बलरामपुर जिला के उत्तर भाग की ओर नेपाल देश, पूर्व भाग की ओर उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला, दक्षिण भाग की ओर उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला और पश्चिम भाग की ओर उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला से घिरा हुआ है। बलरामपुर जिला के मुख्य नदी का नाम राप्ती नदी है। राप्ती नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 169 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 717 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बलरामपुर जिला में 3 तहसील, 9 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 4 विधानसभा, 1 न्यायालय, 14 पुलिस स्टेशन, 190 डाकघर, 2 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका परिषद, 801 ग्राम पंचायतें, 4 शहर और 1017 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 3349 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बलरामपुर जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 3,24,000 के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू और अवधी है। आबादी की बात करें तो बलरामपुर जिला जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य का 45वां सबसे बड़ा जिला है। वैसे बलरामपुर जिला की कुल आबादी 21,49,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 11,15,000 है और महिला की आबादी 10,34,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 928 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 928 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 13,33,000 है, लगभग 62% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 8,06,000 के करीब है, लगभग 37.5% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से बलरामपुर जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बलरामपुर जिला में बलरामपुर सिटी माटेसरी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, एमएलके डिग्री कॉलेज, विमला विक्रम डिग्री कॉलेज और शक्ति स्मारक डिग्री कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 49.5% के करीब है। बलरामपुर जिला के 21,49,000 की आबादी में 10,64,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 6,66,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 60% के करीब, और महिला 3,97,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 38.5% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो बलरामपुर जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 7,60,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 7,60,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ के आबादी के अनुसार लगभग 35.5% के करीब है। वैसे बलरामपुर जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है।
जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। राप्ती नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका पूरा इलाका काफी उपजाऊ है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, मक्का, दलहन और गन्ना यहाँ के मुख्य फसल है। बलरामपुर जिला चीनी मिल के लिए काफी मशहूर है। इस जिला के चीनी मिल के कारखाने के अलावा भी कई और छोटे छोटे व्यवसाय इस जिले में स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला में कई सारे महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थल हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों का सैर कर सकते हैं। बलरामपुर जिला के टूरिस्ट स्थलों में सुमार सुहेल देव वन्यजीव सिटी प्लेस बलरामपुर, देवी पाटन मंदिर, बिजलीपुर मंदिर, शोभनाथ मंदिर, जय प्रभा ग्राम, कोयला बास और बलरामपुर जिला के उतरौला शाहजानी बाबा की दरगाह शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। बलरामपुर जिला सड़क और रेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से स्टेट हाईवे संख्या 26 और नेशनल हाईवे संख्या 330 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गाँव तक बस सेवा मुहैया कराती है। बलरामपुर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बलरामपुर रेलवे स्टेशन है, जो गोरखपुर गोंडा लाइन पर स्थित है। बलरामपुर रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के लखनऊ रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, बलरामपुर जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।